सो इस वीडियो में हम नो कॉन्फिडेंस मोशन की हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। तो इंडियन पार्लियामेंट की हिस्ट्री में सबसे पहले नो कॉन्फिडेंस मोशन अगस्त 1963 में आया था, जो कि तब के प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू के अगेंस्ट में उन्हीं की पार्टी के मेंबर जेबी कृपलानी लेकर आए थे। कहते हैं कि तब इस प्रस्ताव के पक्ष में 62 वोट पड़े थे और इसके अगेंस्ट में 347 वोट पड़े थे और नेहरू की सरकार आसानी से इसमें बच गई। तो पार्लियामेंट में अभी तक 26 से ज्यादा टाइम्स नो कॉन्फिडेंस मोशन आया है। इसमें से सबसे ज्यादा 15 टाइम्स नो कॉन्फिडेंस मोशन अकेले इंदिरा गांधी के अगेंस्ट में आया है। लाल बहादुर शास्त्री और नरसिम्हा राव ने भी नो कॉन्फिडेंस मोशन का सामना 3-3 बार किया है। आज तक एक ही बार नो कॉन्फिडेंस मोशन की वजह से किसी की भी सरकार गिरी है। 1978 में मोरारजी देसाई की सरकार नो कॉन्फिडेंस मोशन की वजह से गिरी थी। 1979 में अविश्वास प्रस्ताव पर जरूरी बहुमत नहीं जुटा पाने के कारण तब के प्राइम मिनिस्टर चरण सिंह ने इस्तीफा दे दिया। इसके बाद 1989 में बीपी सिंह की राष्ट्रीय मोर्चा सरकार को अविश्वास पारित होने के बाद इस्तीफा देना पड़ा था। 1997 में एचडी देवेगौड़ा की संयुक्त मोर्चा सरकार को भी नो कॉन्फिडेंस मोशन में हार के बाद इस्तीफा देना पड़ा था। राजग की तरफ से अटल बिहारी वाजपेयी ने दो बार मत प्राप्त करने की कोशिश की और दोनों बार असफल रहे। 1996 में उन्होंने केवल 13 दिन तक सरकार चलाने के बाद मत विभाजन से पहले इस्तीफा दे दिया और 1998 में उनकी सरकार बस एक वोट से हार गई थी। 2009 में यूएस के साथ परमाणु समझौते के विरोध में यूपीए गवर्नमेंट के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन आया था, तब प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह ने इसे बहुत ही मामूली अंतर से जीत लिया था। सबसे ज्यादा नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने का रिकॉर्ड माकपा सांसद ज्योतिर्मय बसु के नाम है। उन्होंने 4 प्रस्ताव इंदिरा गांधी के खिलाफ लाए। आई होप कि अगर आपने इतना वीडियो देख लिया है तो आपको पता चल गया होगा कि नो कॉन्फिडेंस मोशन क्या होता है, इतिहास कब नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया है। तो अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।